प्रॉब्लम क्या मालूम है? सारा संसार रिसर्च कर रहा है किसकी मालूम है, कि आदमी का रोग का कारण एस इट इज रहे, स्वास्थ्य का नियम भी कोई ज्यादा पालन करना ना पड़े, और फिर ऐसा कोई रास्ता निकल जाए जिससे आदमी ठीक हो जाए। आप क्या सोचते हो, आदमी सफल होगा उसमें? आज आप अपने घर में ही देख लो, तुम्हारे घर में, तुम्हारे अपने किचन में जाओ, किसी को पूछो क्या खाते पीते हो भाई साहब, क्या कहेगा? कुछ नहीं जी, सुबह एक चाय पीता हूं और साथ में दो टोस्ट ले लेता हूं, नहीं तो एक दो बिस्किट खा लेता हूं। बड़ा हेल्दी फूड है, चाय हेल्दी फूड है। नहीं नहीं, वो तो पॉइजन तो है, लेकिन आदत है ना भाई साहब, क्या करें। ब्रेड खा रहे हो, खोखला खाना शरीर को दे रहे हो, और सोचते हो इसे हेल्थ तो मिल ही जाएगा ना भाई साहब। बिस्किट तला हुआ आहार है, मैदा चीनी डालडा घी, और ऊपर से तल गया, ऊपर से पक गया, और तुम उसको कहते हो हल्का खाना है। जी बिस्किट तो हल्का होता है ना भाई साहब। तुम ऐसा तो घटिया तो माल देते हो शरीर को, फिर कहते हो पराठा खाता हूं। और तुम्हारे घर के खाने कैसे? आटा छना हुआ, दाल पीली, चावल सफेद, चीनी, नमक, मसाले, ऊपर से तला हुआ तेल घी, और ऊपर से अगर शराब मिल गई तो और सोने में सुहागा। और दिन भर आप आपके घर में ये खाना पेट में जाता है, आप इन खोखले खानों से आप कैसे आशा करते हो कि मेरा शरीर बढ़िया चले? जी हाउ यू कैन एक्सपेक्ट लाइक दिस? शरीर क्या बोलता मालूम है भाई साहब? जैसा माल वैसी बिल्डिंग बना दी मैंने आपकी, ऐसे तो करेगा ना। तो मैं उन रूट कॉजेस पे चर्चा करने जा रहा हूं आज मैं, क्योंकि खाली बातें करने का कोई मकसद नहीं है, आप लोग भी सब ज्ञानी हैं, सब जानते हैं। मैं रूट कॉज को अगर तुमने निकाल दिया ना, तो मैंने आपको क्या कहा, शरीर को बीमार पड़ना बहुत मुश्किल है। वही वही बता रहा हूं। इसीलिए तो पहला कारण है हंगरलेस ईटिंग, भूख के बगैर खाना खाना। भूख शरीर की एक सिंपल सी फिजियोलॉजिकल लैंग्वेज है जो कहता है लाओ मैं खाना पचाने को तैयार हूं, और नई भूख का मतलब डालना मत, मैं तैयार नहीं हूं, मैं कहीं एंगेज्ड हूं। लेकिन हम लोग खाना कैसे खाते हैं? टाइमली, साइकोलॉजिकली। हम लोग क्या कहते हैं, सुबह 9 बज गई ऑफिस जाना इसलिए खा लो, 2 बज गए इसलिए खा लो, अभी डॉक्टर सचिन ने छोड़ दिया इसलिए खा लो, शाम हो गई इसलिए खा लो, घर में आ गया इसलिए खा लो, आज मैंने खाया नहीं इसलिए खा लो, बेकार में जाएगा इसलिए खा लो, ज्यादा बन गया इसलिए खा लो, मुफ्त में मिल रहा है इसलिए खा लो। तो आपका जो खाना है वो वास्तव में शारीरिक मांग से ना होकर साइकोलॉजिकल टाइमली मांग से होता है। शरीर कहता है भाई साहब मैं आपकी मजबूरियों को नहीं जानता, मैं मांगू और दोगे तो खाना पचा दूंगा, और अगर मैंने नहीं मांगा और दे दिया तो सड़ा के छोड़ दूंगा। क्यों? नो हंगर मीन्स नो जूस सीक्रेशंस। और अगर आपने डाल दिया, नहीं नहीं सब लोग खा रहे, मैं ही खा ही लेता हूं, टाइम 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 कैसे निकालूं, डाल दिया तो शरीर क्या करता मालूम है? शरीर में बड़ी लिमिटेड रिजर्वॉयर एनर्जी है, वो नीचे ऑलरेडी डाइजेशन में लगी हुई है, वो वहां से ना एमरजेंसी की तरह डील करता है जो खाना आ गया फालतू में, और फिर वो वहां से वो एनर्जी विड्रॉ करके आधी इधर लगाता है, तो आधी उधर ही, आधी मिलती सिर्फ उधर, तो क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन क्रिएट होती है। भूख का असली कारण ये नहीं है कि तुम फाइबर नहीं खा रहे हो, भूख का असली कारण है एनर्जी लो है इंटेस्टाइन में। क्यों? तुम सारे दिन ऊपर ही खींच के रखते हो बगैर भूख के भी। तो जिस दिन तुमने भूख से खाना सीख लिया, खाना घटिया था, खाना भारी था, पचने की 100% गारंटी। और जिसका खाना पच गया उसको कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं हो सकती। क्यों? आते तो डिजाइन की गई उसी पर्पज के लिए भाई। आते कहती है भैया मुझे सिखाने की जरूरत नहीं कि कब करूं ना कब ना करूं, आई नो माय जॉब वेरी वेल, आप कृपया मेरे रास्ते में बाधा मत पैदा करो प्लीज। आप जानते हो पेशाब करने को 50-60 सेकंड लगते हैं,
स्टूल पास करने को सिर्फ 10 सेकंड। आप चाहो तो फोन होल्ड करके जाके आ सकते हो, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने क्या कर दिया। हम लोग सुबह घूमने निकलते हैं पति पत्नी, जब तक मेरी एक पार्टनर जूता निकाल के फीता बांधता है ना, तब तक दूसरा पार्टनर आ जाता बाहर। पता है आपको, इतना फास्ट बता रहा हूं, और इसमें कोई आश्चर्यचकित बात होने की जरूरत भी नहीं है। आपने कभी जानवर को देखा, हाथी घोड़े कुत्ते बिल्ली रास्ते में चलते हैं, अचानक खड़े होते हैं, टक 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 पास करते हैं, निकल पड़ते हैं। कितनी टाइम लगती है, आदमी को पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई, लाइब्रेरी बना के बैठ गए अंदर। अरे भाई इतनी समस्या नहीं है मोशन में। और कितना हंगामे करता है, कितनी लड़ाई लड़ रहा है, रात को दूध पी रहा है, इसबगोल खा रहा है, कायम चून खा रहा है, और सुबह उठ के बीड़ी फूंक रहा है, गर्म पानी पी रहा है, कपाल भाती कर रहा है। अच्छा वह भगवान ने किडनी अंदर कर दी, वरना पता नहीं पेशाब कैसे करता। लड़े जा रहा है शरीर से। तो दोस्तों, जीवन फाइट नहीं है, फ्लो है, फ्लो। लड़ो मत जीवन से, इसे कानून के साथ जुड़ो।